एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम बनाने की शुरुआत 2000 वेल्ड से होती है और ये सब हाथ से किए जाते हैं। आपको सही होना चाहिए और सही फीलिंग भी। लेदर की कटाई लेजर की बारीकी से होती है और वो भी सिर्फ बेहतरीन ही चाहिए। उसकी फील सही हो, उसका टच सही हो और गंध भी एकदम सही हो। एकदम सटीक लेदर चाहिए। शानदार लकड़ी को तराश कर ऑटोमोटिव शोपीस बनते हैं। बुक मैचर की कला साकार हो जाती है। इस शाही खूबसूरती के भीतर B12 पावर हाउस की ताकत छिपी है। मानो मैजिक कारपेट पर सवार हूँ। रोल्स रॉयस सिर्फ दुनिया की बेहतरीन लग्जरी कार ही नहीं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग की मिसाल भी है। हर चीज होनी चाहिए फर्स्ट क्लास। ये सब आपको सिर्फ एक जगह मिलेगा, वो है मेगा फैक्ट्री ऑफ रोल्स रॉयस मोटर कार्स। अगर रोल्स रॉयस फैंटम का नाम फीनिक्स होता तो शायद वो गलत नहीं होता, क्योंकि वो 21वीं सदी के शानदार अंदाज में एक मशहूर मोटर कार कंपनी का नया अवतार है। इसमें आपकी उम्मीद के मुताबिक सारी पारंपरिक शाही फिनिश ज्यों की त्यों मौजूद है। शानदार ए ग्रेड यूरोपियन लेदर में लिपटा खूबसूरत इंटीरियर, किसी औसत डाइनिंग रूम से ज्यादा पॉलिश्ड वुड और वही जानी पहचानी शांत और स्मूथ राइड। इसके अलावा इसमें है एकदम नए जमाने की टेक्निक के कमाल, जैसे फाइबर ऑप्टिक इल्यूमिनेटेड स्टारलाइट हेडलाइनर, 15 स्पीकर, 9 चैनल, 420 वॉट कमर्शियल ग्रेड लेक्सिकन साउंड सिस्टम, एक इशारे पर बदलने वाला 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और भी बहुत कुछ। रोल्स रॉयस के मोटर कार ब्रांड को सबसे उम्दा टेक्निक के सहारे नई जिंदगी दी है उसके नए मालिक बीएमडब्ल्यू ने। इसके बावजूद फैंटम उतनी ही ब्रिटिश है जितनी इसके दरवाजे में समाए अम्ब्रेलास। जी हाँ, हर कार में छिपा रहता है टेफ्लॉन कोटेड हाइडअवे अम्ब्रेला जो बटन दबाते ही बाहर निकल आता है। इसके भीतर आपको लेदर और लकड़ी का मजा मिलता है जो न सिर्फ आरामदेह है बल्कि जिसे हाथ से तराशा गया है। इसकी इसी खासियत ने तो इसे दुनिया की बेहतरीन कार बनाया है। लेकिन इसके नपे तुले बाहरी ठाट बाट के झांसे में ना आए, इसकी नजाकत भरी सुंदरता के भीतर जबरदस्त V12 इंजन धड़कता है जो इस 2.5 टन की कार को सिर्फ 5.9 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार देता है। जी हाँ, ये है स्पोर्ट्स कार की रफ्तार। नई फैंटम के मालिक चेकविच्की को जीवन भर अपनी रोल्स रॉयस पाने की चाह रही। रोल्स रॉयस मीन्स बेमिसाल क्वालिटी, शानदार खूबसूरती, गजब की परफॉर्मेंस, ये सबसे आगे बेशक बेहतरीन है। यहाँ उभरे हुए एल्यूमिनियम के 200 से अधिक सेक्शंस और 300 एलॉय पार्ट्स को जोड़ने और वेल्ड करने से कार का बेहद मजबूत स्पेस फ्रेम और बॉडी आकार लेते हैं। सबसे पहले वेल्डर्स एल्यूमिनियम के सेक्शन को शिकंजे में कसते हैं जो पार्ट्स को एकदम सही सीध में पकड़े रहता है। हर शिकंजा स्पेस फ्रेम का एक खास हिस्सा बनाने के लिए कस्टम प्लेटफॉर्म का काम करता है।
फैंटम की पूरी तरह हाथ से वेल्ड की हुई बॉडी दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम कार चेजी है। स्टील के बजाय एल्यूमिनियम लगाने से फैंटम का वजन सैकड़ों किलोग्राम कम हो जाता है और उसकी चेजी फॉर्मूला वन कार से भी मजबूत हो जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम से स्पेस फ्रेम बनाने का काम ज्यादा कठिन भी है। ये टेढ़ा काम है क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम के पार्ट्स को वेल्ड करते हैं तो हमेशा डिस्टॉर्शन होती है। वेल्ड हमेशा सटीक होना चाहिए, इसलिए ऐसे लोग चाहिए जो मटेरियल को फील कर सकें। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में मुश्किल ये है कि अगर हाथ बहुत तेज चले तो ठंडा होने पर टांका टूट सकता है, लेकिन अगर वेल्ड बहुत धीमे हो तो धातु के बीच से जलने का खतरा है जिससे पार्ट खराब हो सकता है। एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए आपको सही हुनर चाहिए और सही फीलिंग भी। अगर हम 100 लोगों को एल्यूमिनियम वेल्डिंग सिखाते हैं तो उनमें से सिर्फ 10 ही सही तरीके से कर पाते हैं। पूरे 2000 टांके सही ढंग से लग जाने पर यह बेहद मजबूत सुपर स्ट्रक्चर बनता है। इसके 1 मीटर के सेक्शन को सिर्फ 1 डिग्री मोड़ने में 4 टन का जोर लगाना पड़ता है। अब आती है बदलाव की घड़ी, यानी बॉडी पैनल जोड़े जाते हैं। एल्यूमिनियम इस्तेमाल करने से बॉडी का वजन सिर्फ 550 किलोग्राम रहता है, जो इसकी प्रतिद्वंद्वी कार से 200 किलोग्राम कम है। सबसे नाजुक काम छत के ढांचे की वेल्डिंग का है। सबसे पहले एल्यूमिनियम की इतनी बड़ी छत को उठाकर सही जगह रखा जाता है। वेल्डिंग की गर्मी से एल्यूमिनियम की छत को खराब होने से रोकने के लिए 2 मेटल वर्कर्स बिल्कुल टांके से टांका मिलाकर दोनों तरफ से छत को वेल्ड करते हैं। दोनों मेटल वर्कर्स को एकदम एक ही समय पर वेल्डिंग शुरू और खत्म करनी होती है, वो भी बिना रुके। इस तरह एक साथ वेल्ड करने से पूरी छत पर वेल्डिंग का दबाव बराबर रहता है और डिस्टॉर्शन या सिकुड़न नहीं होती। 40 सेंटीमीटर का ये वेल्ड मोटर उद्योग में एल्यूमिनियम का एक सबसे लंबा और लगातार वेल्ड माना जाता है। यहाँ मौजूद 150 में से सिर्फ 6 वर्कर्स ही ये काम कर सकते हैं। बदकिस्मती से ये लंबा वेल्ड जोड़ की एक लंबी भद्दी रेखा छोड़ जाता है। लेकिन जरा रुकिए, इस वर्कर को अपना काम तो पूरा करने दीजिए, ये इसे घिस घिस कर कांच जैसा चिकना कर देगा। फैंटम के बाकी बॉडी पैनल्स जोड़ने में भी इतनी ही सावधानी रखी जाती है। कुछ फैक्ट्रीज में एक पूरी कार 1 घंटे से भी कम समय में बन जाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 सेक्शन जोड़ने में 1 घंटा लग सकता है। टेक्नीशियंस हर खांचे और फिटिंग को बार बार नाप कर तब तक बारीक फेरबदल करते रहते हैं जब तक सब कुछ एकदम फिट ना हो जाए। सारे बॉडी सेक्शंस लग जाने के बाद कार का नाम बढ़ जाता है बॉडी इन व्हाइट। ये नाम मोटर उद्योग के शुरुआती दिनों की देन है, जब कार की बॉडी पर सबसे पहले सफेद प्राइमर लगाया जाता था। हर बारीकी पर अचूक नजर शुरुआत के दिनों से ही रोल्स रॉयस की पहचान रही है। ...1903 में एक गुमनाम लेकिन कमाल के इंजीनियर हेनरी रॉयस ने अपनी पहली कार खरीदी, लेकिन उसकी क्वालिटी से संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने खुद कार बनाने का फैसला किया। ये कार इतनी अच्छी थी कि रॉयस बहुत जल्द चार्ल्स रोल्स की नजर में आ गए, जो लंदन के एक कामयाब कार डीलर थे। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो सबसे उम्दा कार बनाएंगे। हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स दोनों ही मिलकर बेहतरीन काम करना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि रॉल्स रॉयस की करीब 65% कारें आज भी सड़क पर हैं। दुनिया में कोई और कार कंपनी इसके आसपास होने का दावा भी नहीं कर सकती। 1906 में रोल्स रॉयस ने एक ऐसी कार बनाई जो द सिल्वर गोस्ट के नाम से ऑटोमोटिव की पहचान बन गई। 15,000 मील तक बिना रुके टेस्ट रन के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने उसे दुनिया की बेहतरीन कार का खिताब दिलाया।
उस मॉडल की 7,000 से कुछ ज्यादा कारें बनी और उन्होंने कंपनी की कामयाबी की बुनियाद डाली। द सिल्वर गोस्ट एकदम बेमिसाल कार थी। उसका डिजाइन बहुत उम्दा था और वो बेहद टिकाऊ थी, इसीलिए उसे इतनी कामयाबी मिली। वो बहुत कमाल की थी। 1907 से 1925 तक वो वाकई दुनिया की नंबर वन लग्जरी कार थी। रोल्स रॉयस मोटर कार डिवीजन चल निकली। वो जानी मानी हस्तियों की मनपसंद कार बन गई। 1980 में एक ब्रिटिश कंपनी समूह विकर्स ने उसे खरीद लिया, लेकिन जल्दी ही ये बात साफ हो गई कि इस पुराने शाही ब्रांड को नई जिंदगी देनी होगी, और ये नई जिंदगी 1998 में नए मालिक बीएमडब्ल्यू ने दी। बीएमडब्ल्यू ने गुडवुड इंग्लैंड में नई रोल्स रॉयस फैक्ट्री लगाई। उसका एक ही मकसद था, पुराने जमाने की कारीगरी और नई टेक्नोलॉजी के मिलन से बाजार में सबसे शानदार हाथ से तराशी कार लाना। 2003 में आई फैंटम रोल्स रॉयस मोटर कार्स की नई पीढ़ी का पहला अवतार है। फैंटम रोल्स रॉयस लोगों की उम्मीदों का प्रतीक है। सबसे पहले तो इसका अपना वजूद होना चाहिए, अब दूसरे इसकी परफॉर्मेंस 100% से ज्यादा होनी चाहिए, और ये सब बहुत ही नफीस ढंग से होना चाहिए। फैंटम की फिनिश्ड बॉडी इन व्हाइट उंटर हालराओ से जर्मनी में डिंग कॉल्फिंग पहुंचती है। धातु के फ्रेम और बॉडी को जंग और गलन से बचाने के लिए सुरक्षा कवच पहनाना जरूरी है। कई चरणों के इस प्रोसेस को इलेक्ट्रो कोटिंग या ई कोटिंग कहा जाता है। फैंटम की बॉडी एक घूमती हुई कन्वेयर मशीन रोड डिप पर चढ़ा दी जाती है, जिसे आप कार वॉश और कार्निवल की सवारी के बीच की मशीन समझ सकते हैं। कार एक के बाद एक 7 केमिकल्स में डुबकी लगाती है। कन्वेयर बॉडी को पूरा 360 डिग्री घुमा देती है, ताकि भीतर और बाहर बराबर कोटिंग हो जाए। ये रोड डिप मशीन फुटबॉल के 3 मैदानों से भी लंबी है, और हर कार को इसका सफर तय करने में 45 मिनट लगते हैं। निकल, मैंगनीज और जिंक फॉस्फेट बॉडी से गंदगी और चिकनाई हटाकर पेंटिंग से पहले गलन रोकने वाली बुनियादी परत चढ़ा देते हैं। और इसके बाद होती है असली ई कोटिंग। कार को डीसी इलेक्ट्रिक चार्ज देकर विपरीत चार्ज वाले प्राइमर पेंट से भरे वैट में डुबकी लगानी पड़ती है। जैसे धातु चुंबक से चिपकता है, उसी तरह इस घोल में मौजूद पेंट सॉलिड धातु की बॉडी से चिपक जाते हैं। इस तरह कार के भीतर और बाहर चप्पे चप्पे पर गलन रोकने वाले प्राइमर पेंट की परत चढ़ जाती है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट बॉडी इन व्हाइट को भट्टी में पहुंचा देती है, जहां उसे 70 मिनट तक 170 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में तपाने से धातु पर ई कोट एकदम चिपक जाता है। अब ये नई फैंटम इंग्लैंड जाने और रोल्स रॉयस मोटर कार बनने के लिए तैयार है। हर एक नई फैंटम बॉडी इन व्हाइट को ग्रेट ब्रिटेन ले जाकर यहाँ गुडवुड में रोल्स रॉयस हेडक्वार्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहुँचाया जाता है। गुडवुड प्लांट में 3 मुख्य बिल्डिंग्स हैं। द पवेलियन, इसमें कंपनी का हेडक्वार्टर है। द सरफेस फिनिश सेंटर, जहाँ फैंटम कारों पर कमाल की पॉलिश होती है। और ये असेंबली, जहां वर्कर्स की पूरी फौज हर फैंटम बॉडी को चलता फिरता आलीशान अपार्टमेंट बना देती है। प्लांट का डिजाइन भी ऊर्जा बचाने वाला और पर्यावरण के लिए दोस्ताना है। ये कार कंपनी के लिए भी फायदेमंद है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही काम की जगह है, उनके लिए भी जो यहाँ काम करने आते हैं, और कस्टमर्स के लिए भी जो यहाँ अपनी कारें बनते देखने और अपनी कारों की डिलीवरी लेने या कारों का ऑर्डर देने आते हैं।
जर्मनी से आई नई फैंटम बॉडीज का 3 महीने लंबा सफर गुडवुड फैक्ट्री के सरफेस फिनिश सेंटर में ही शुरू होता है। सबसे पहले बारी आती है पेंटिंग की। रोल्स रॉयस कार्स अपनी बेमिसाल पेंट फिनिश के लिए मशहूर हैं। ईकोट, प्राइमर, कलर और सबसे ऊपर क्लियर सुरक्षा कवच मिलाकर पेंट की 5 परतों में रंगों की बेमिसाल गहराई और शीशे जैसी साफ चमक दिखाई देती है, जो पियानो फिनिश कहलाती है। पियानो फिनिश एकदम शीशे जैसे चिकनी होती है। ये इतनी फ्लैट होती है कि फाइनल फिनिश में आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। ये फिनिश 22 चरणों के प्रोसेस की देन है, जिसमें रोबोट की बारीकी और इंसानी कारीगरी का संगम दिखाई देता है। कुल मिलाकर इसमें 45 किलोग्राम पेंट लगाया जाता है। हैंड स्प्रे से सारे डोर शट्स पेंट होते हैं और वो हिस्से भी जहां रोबोट नहीं जा सकता, जैसे पिछले गोल कब्जे वगैरह। आगे का काम रोबोट्स का है, जो बाहरी हिस्से पर प्राइमर लगाते हैं। यहाँ गुडवुड में रोबोट्स सिर्फ पेंट शॉप में काम करते हैं और उन्हें बेहद खास मकसद से रखा गया है। पेंट कलर मोटाई के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसलिए हम रोबोट की मदद लेते हैं और देखते हैं कि कार पर एकदम सही मात्रा में पेंट लगे। हाथ से स्प्रे करने पर इतनी सटीक पेंटिंग बहुत मुश्किल है। अब 2 रोबोट्स एकदम बराबर कोटिंग देने के लिए हर मिनट सिर्फ 100 मिलीमीटर प्राइमर पेंट लगाते हैं। अब बारी आती है कलर की। यहीं से हर फैंटम को उसकी अनूठी पहचान मिलने लगती है। यहाँ आम कलर्स का बड़ा जबरदस्त सिलेक्शन है, लेकिन अगर आपकी जेब भारी है तो आप अपना हर मनचाहा शेड ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास करीब 44,000 कलर्स का पैलेट है। 44,000 कलर्स, यानी आपकी कार किसी यॉट, किसी कॉर्पोरेट कलर स्कीम या आपके मनपसंद हैंडबैग से मैच कर सकती है। हम कस्टमर की मांग के हिसाब से कोई भी पेंट कर सकते हैं। एकदम सही फिनिश देने के लिए जरूरी है कि कलर और क्लियर कोट लगने के बाद सरफेस फिनिशिंग वर्कर्स कार को पूरी तरह घिस डालें। इस काम के लिए ऐसा हुनर चाहिए जैसा आप सोच भी नहीं सकते। जब पेंट की सतह की लहर खत्म हो जाती है और वो फ्लैट हो जाता है, तो कार घिसने वाले को आवाज में बदलाव सुनाई देता है, जिससे पता चलता है कि अब वो काम रोक सकता है। ये बहुत मुश्किल काम है जिसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। ऐसी जबरदस्त कारीगरी रोबोट के बस में नहीं है। अंतिम क्लियर कोट के बाद सरफेस फिनिशर हर कार को हाथ से 5 घंटे तक पॉलिश करते हैं। आखिर में एक इंस्पेक्टर पूरी कार की जांच करता है और मामूली सी कमी पर भी मोम की पेंसिल से निशान लगा देता है। अगर बाल भर का भी निशान रह जाए, जिसे यहाँ मिटाया न जा सके, तो कार आगे नहीं बढ़ती। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई खामी न रहे, वही हमारा मकसद है। फिर भी अगर पॉलिशिंग के बाद कोई खामी दिख जाए तो हमारी एक टीम पॉलिश करके उसे चमका देती है। कोई भी ग्राहक कार के करीब आने पर सबसे पहले पेंट फिनिश देखता है और अगर वो अच्छी नहीं है तो इससे वो अंदाजा लगाता है कि बाकी की कार कैसी होगी। फैंटम कार सरफेस फिनिश सेंटर से तभी निकलती है जब उसके चप्पे चप्पे की फिनिश एकदम परफेक्ट होती है। आपको दुनिया की बेहतरीन पेंट फिनिश मिलती है और कार पर रोल्स रॉयस का निशान होता है। बारह हजार वर्ग मीटर की इस लंबी चौड़ी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग में फैंटम की चमचमाती बॉडी वर्ल्ड क्लास कार का रूप ले लेती है। लेकिन इसमें समय लगता है। हर कार को बनाने में औसतन 450 घंटे लगते हैं और इस फैक्ट्री में रोजाना सिर्फ 5 कारें तैयार होती हैं। कारों का निर्माण प्री असेंबली से शुरू होता है। यहाँ वर्कर्स की टीम बड़े हिस्से तैयार करती हैं, जैसे डोर्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स और पावर ट्रेन्स। यहाँ रोल्स रॉयस का मामला कुछ अनोखा है, क्योंकि कारें हाथ से बनती हैं और हम लकड़ी और लेदर जैसी कुदरती चीजों से काम करते हैं, इसलिए ये कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। प्री असेंबली में एक अनोखा काम सिग्नेचर पैंथियन ग्रिल तैयार करने का है।
मैं बाहरी फ्रेम पर कोई खामी तलाश रहा हूँ। अगर जरा सी भी खामी मिली तो इस फ्रेम को बदल कर नया बनाना होगा। ओ, ये मिल गया। कॉर्नर पर कोई डेंट जैसा पड़ा है, पता नहीं क्या है। मुझे अपने जोन लीडर से बात करनी होगी और इसे बदलना होगा। एकदम सटीक ग्रिल तैयार होने के बाद टेक्नीशियन उसे लगाते हैं और फिर इसके आइकॉनिक हुड की सजावट को परखते हैं। द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी मैस्कट 1911 में मशहूर कलाकार चार्ल्स साइक्स ने बनवाया था और तब से ये हर रोल्स रॉयस की पहचान रहा है। आजकल द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को इस तरह लगाया जाता है कि इसे रिमोट कंट्रोल से ग्रिल के भीतर खींचा जा सके या टक्कर होने पर ये अपने आप दुबक जाए। ये है मेन असेंबली लाइन जहां 11 स्टेशंस पर कमाल की दस्तकारी दिखती है। पहले स्टेशन पर काम की शुरुआत पेंटेड बॉडी शेल से होती है और 11वें स्टेशन पर कार पूरी तरह से तैयार होकर निकलती है। फैंटम के चार मॉडल्स हैं, ओरिजिनल फोर डोर सेडान या सलून, उसके बाद चौड़े व्हील बेस वाली फैंटम जिसकी पिछली सीट पर टांगे फैलाने की 25 सेंटीमीटर ज्यादा जगह है, फिर टू डोर कन्वर्टेबल या ड्रॉप हेड कूपे और सबसे नया हार्ड टॉप टू डोर कूपे मॉडल। फैंटम के चारों मॉडल्स एक ही लाइन पर एक साथ बनते हैं और हर एक को ऑर्डर के मुताबिक तराशा जाता है। इस बीस्पोक प्रोग्राम में असीमित विकल्प हैं। रोल्स रॉयस कस्टमर के लिए एकदम अलग ग्लव बॉक्स ह्यूमिडोर से लेकर ट्रंक में समाये पूरे शैंपेन पिकनिक सेट तक कुछ भी बना सकती है। हमारी 80% कारें किसी न किसी हद तक बीस्पोक हैं और ग्राहकों को यही बात पसंद आती है कि उन्हें ऐसी अनोखी चीज मिल रही है जो कि सिर्फ उनकी है। हाँ, ये बहुत महंगी है पर उन्हें बहुत पसंद आती है। उन्हें हमारे साथ मिलकर कार बनवाने में बहुत मजा आता है। रोल्स रॉयस जैसी कार खरीदना बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस है। आपको इतनी सारी अलग अलग चीजें चुनने का मौका मिलता है, एकदम मनचाहा रंग और मनचाहा डिजाइन मिलता है। बीस्पोक डिजाइनर्स जब पूरी बारीकी के साथ डिजाइन तैयार कर लेते हैं तो उनकी ड्राइंग और स्केचेस को डिजिटल 3D मॉडल में ढाल दिया जाता है। इस तरह डिजाइन कस्टमर्स को दिखाया जा सकता है और परखा भी जा सकता है कि ये कितना प्रैक्टिकल है। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये डिजाइन असल में कार में ढाला जा सकता है। आप सामने यहाँ स्क्रीन पर एक फ्रिज यूनिट देख सकते हैं। इसके अंदर हम शैंपेन की 3 स्टैंडर्ड बॉटल्स रख सकते हैं। ये पूरा पैकेज हमें कम से कम बदलाव और लागत पर कार के अंदर फिट करना होगा। रोल्स रॉयस की उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए कस्टमर की कार में लगने वाला हर हिस्सा उम्र भर साथ देना चाहिए। आप समझ जाते हैं कि इस कार की उम्र मुझसे ज्यादा हो सकती है तो कोई बात नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि इन कारों से हम इतिहास रचते हैं, इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी क्वालिटी हर तरह से रोल्स रॉयस के स्टैंडर्ड की ही हो। इतनी सारी कस्टम कार्स को एकदम सही ढंग से बनाने के लिए हर कार को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और पेपर्स दिए जाते हैं जिनसे पता लगता है कि उसकी क्या खासियत है। असेंबली लाइन से पहले स्टेशन पर सारा जोर इस बात पर है कि हर फैंटम में वही शांत और स्मूथ ड्राइव मिले जिसके लिए रोल्स रॉयस मशहूर है। इस स्टेशन में हम आवाज दबाने वाली चीजों को फिट करेंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों आवाजों को दबा देंगी। वर्कर्स ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर टायरों की हलचल जैसी लो फ्रीक्वेंसी आवाज दबाने के लिए हाई डेंसिटी फोम इंसुलेशन के टुकड़े लगाते हैं। वो फॉइल में लिपटे बिट्यूमिन की साउंड प्रूफ पट्टियां भी लगाते हैं। ये घना टार जैसा पदार्थ खिचखिच, खड़खड़ और हवा के शोर जैसी हाई फ्रीक्वेंसी आवाजें दबाने में मदद करता है। ये दोनों हिस्से वायरिंग हार्नेस और कारपेट बिछाने से पहले कार की बॉडी में लगाए जाते हैं, इसलिए बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन पैसेंजर के लिए ये कार को नॉइज फ्री बनाए रखते हैं। टेक्नीशियंस आवाज दबाने वाली सामग्री के साथ
अनूठे डबल डेक फ्लोर के नीचे रेजोनेंस चेंबर्स में दो बड़े बड़े सब वूफर्स भी लगा देते हैं। फिर स्टेशन नंबर 2 पर टेक्नीशियंस कार की चैजी में वायरिंग हार्नेस बिछाते हैं। इस पट्टी के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर की वायरिंग कार के सभी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को पावर और कंट्रोल देती है, की मदद से सही जगह टिकाया जाता है। इस उपकरण को एकदम सीध में रखना होता है ताकि ये कार के अंदर सही जगह बैठ जाए। इसके बाद टीक टोनो कवर को बोल्ट करके एकदम सीध में लाया जाता है। अब स्टेशन नंबर 4 पर टेक्नीशियंस इंस्ट्रूमेंट पैनल लगाते हैं। ये कार कास्ट मैग्नीशियम का करीब 7 किलोग्राम वजन का बेहद मजबूत, बेहद ठोस वन पीस क्रेडल है। ये कार में लगने वाली एक सबसे जटिल कास्टिंग है। इसके वन पीस कास्टिंग होने की भी खास वजह है। कार बनाने के शुरुआती दिनों से ही यही वो हिस्सा है जहां खड़खड़ होती है, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे पुर्जे एक साथ लगते हैं। रोल्स रॉयस में डैशबोर्ड के लिए इतनी बड़ी एलॉय कास्टिंग लगाकर ये शोर मिटा दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट पैनल लग जाने के बाद फैंटम में लकड़ी के बाकी हिस्से फिट किए जा सकते हैं। लकड़ी पर हाथ की खूबसूरत कारीगरी शुरू से ही रोल्स रॉयस के इंटीरियर्स की पहचान रही है। यहाँ का विश्वास है अटूट, तकलीफें दूर हुई है, दिल में हाथ आ। और यहाँ का प्रसाद है यहाँ की पहचान। वेंकटेश्वर स्वामी का लड्डू प्रसाद दुनिया भर में फेमस है। देखिए इस ऐतिहासिक मंदिर के कुछ नए पहलू नेशनल जियोग्राफिक के साथ। फैंटम के इंटीरियर के बहुत से हिस्सों पर चमचमाता लैमिनेटेड वुड वेनियर चढ़ा रहता है। सच कहें तो फैंटम के आम इंटीरियर में लकड़ी के ढके 42 हिस्से हैं, और वो सब के सब यही रोल्स रॉयस वुड शॉप में बनते हैं। पूरा सेट बनाने में करीब 1 महीना लग जाता है। सिर्फ एक आर्मरेस्ट के लिए कटाई घिसाई के साथ तरह तरह की लकड़ी और बेहतरीन फर्नीचर की कारीगरी के मिलन में कई दिन लग सकते हैं। रोल्स रॉयस में कारीगरी का भी बहुत बड़ा कमाल है, इसलिए अक्सर घंटों काम करके हमें ये देखना होता है कि कार में वाकई बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर वर्क दिखाई दे। इस वुड शॉप में दुनिया भर की तमाम तरह की लकड़ियां मौजूद हैं, जैसे रोजवुड, वॉलनट, एश और एल्म, और बीस्पोक प्रोग्राम में तो ऑप्शंस का कोई अंत ही नहीं है। एक कस्टमर ने हमसे इंडियन एप्पल वुड लगाने को कहा, और ये इंडियन एप्पल वुड का एक टुकड़ा है, और फिलहाल मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक कार में लगी हुई है। लकड़ी में मौजूद रेशे का बारीक और खूबसूरत कुदरती डिजाइन ग्रेन कहलाता है। फैंटम के इंटीरियर में इंस्ट्रूमेंट पैनल के बीचों बीच से दोनों तरफ की ग्रेन एक जैसी होती है, यानी दाहिनी तरफ की ग्रेन बाई तरफ की नकल होती है। ऐसी मैचिंग के लिए वेनियर की परतें एक दूसरे के बगल में खोलकर लगाई जाती हैं, जिसे कहते हैं बुक मैचिंग। इसे बुक मैचिंग कहते हैं क्योंकि असल में हम दो पन्ने खोल देते हैं, उन्हें खोलते हैं ताकि वो मैच करें और मिरर में रिफ्लेक्शन जैसा दिखें, बटरफ्लाई इफेक्ट मिले। इसे बुक मैच कहते हैं क्योंकि असल में हम बुक ही खोल रहे हैं। क्राफ्ट्समैन वेनियर की हर परत को सीध में रखते हैं ताकि ग्रेन एकदम मिल जाए। अगर ये जरा सा बाहर हो तो इस तरह ओवरलैप करते हैं और फिर इसे सीधा एक चाकू से काट देते हैं। हमने काट छांट करके इसको थोड़ा सीधा कर दिया है। ये गांठें सीध में हैं, ये छोर सीध में है, और सेंटर भी सीध में है, इसलिए पूरा पीस मैच हो गया है। बुक मैचिंग से इंटीरियर का वुड कवर न सिर्फ एक जैसा रहता है बल्कि कुछ दिलचस्प इफेक्ट भी दिखते हैं। देखिए बुक मैचर की कला साकार हो जाती है। ये है एक चेहरा। वुड के स्पेशलिस्ट हर हिस्से को हाथ से घिसकर रेशम जैसा चिकना कर देते हैं।
उसके बाद हर कार का वेनियर पार्ट सेट बेहद चमकदार लैकर के सिक्स कोटिंग के लिए भेजा जाता है। वापस आने पर वुड के स्पेशलिस्ट हर हिस्से को पॉलिश करके उसे बेदाग चमक देते हैं और इसे कार के भीतर के हिस्सों पर लगा देते हैं। लकड़ी से ढके ये हिस्से आखिरकार अब असेंबली लाइन के पांचवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां टेक्नीशियंस इन्हें कार में लगाते हैं और ध्यान रखते हैं कि इनमें जरा सी भी खरोंच ना आए। लकड़ी के हिस्सों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लकड़ी को खराब किए बिना उसे फिट करने का सिर्फ एक मौका मिलता है। लकड़ी को बार बार निकालना पड़ता है। लकड़ी का काम दोबारा होता है, जिसमें बहुत वक्त लगता है और काम रुक जाता है। इससे बचना मुश्किल है। पार्ट्स पर खरोंच आ जाती है, निशान पड़ जाते हैं, इसलिए स्टीव को उनकी मरम्मत करनी पड़ती है। इस पर इतना लैकर होता है कि हम घिस सकते हैं, खरोंच हटा सकते हैं और पॉलिश बूथ में ले जाकर दोबारा पॉलिश कर लेते हैं। अब फैंटम में जान डालने का वक्त आ गया है। छठे स्टेशन पर दो टेक्नीशियंस फैंटम की जानी पहचानी पावर ट्रेन चैसी पर लगाते हैं। ये पावर ट्रेन हमारी मुख्य कंपनी ने खास तौर पर रोल्स रॉयस के लिए तैयार की है। ये 6.75 लीटर V12 इंजन है, जो 453 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इसका बेहद फ्लैट कर्व रोल्स रॉयस की जबान में हवा में लहराने का एहसास देता है। ये गजब का कॉम्पैक्ट एल्यूमिनियम V12 इंजन दहाड़ती टॉप एंड रफ्तार देने के बजाय लो एंड टॉर्क के लिए डिजाइन किया गया है। लो एंड टॉर्क भारी गाड़ी को जोर जबरदस्ती के बिना रफ्तार देने की ताकत है। इसके लिए रोल्स रॉयस ने डायरेक्ट फ्यूल इंजन अपनाया, जिसमें हर सिलेंडर को नपातुला ईंधन मिलता है और वो ज्यादा ताकत और कुशलता से चलता है। लो एंड टॉर्क की मदद से ये भारी भरकम कार रुकने से पहले सीधे दूसरे गियर में दौड़ जाती है। रफ्तार के इसी निराले एहसास को लहराना कहा जाता है, या रोल्स रॉयस की भाषा में कहें तो वॉफ्टिंग। ऐसी भारी गाड़ी के लिए एक्सेलरेशन तो कमाल का है, मानो मैजिक कारपेट पर सवार हूँ। इधर असेंबली लाइन पर दो टेक्नीशियंस मिलकर पावर ट्रेन को मैट नाम की मोटर कैरियर पर लादते हैं। ये मोटर कैरियर भारी वजन उठाने के काम आती है। सबसे पहले पिछला और अगला एक्सल लगता है। इसके बाद टेक्नीशियन फैंटम का ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भारी भरकम इंजन में कस देते हैं और उसके बाद सिर्फ प्रॉप शाफ्ट कसनी बाकी रह जाती है। अब एक मोटर ड्रिवन स्लेड फैंटम की उठी हुई बॉडी के नीचे पावर ट्रेन सरकाती है और पूरी असेंबली को उठाकर सही जगह रख देती है। ये काम कहलाता है मैरिज। अब टेक्नीशियंस हर चीज को कस देते हैं और ध्यान रखते हैं कि हर बोल्ट सही टॉर्क पर कसा जाए। एक आम मैरिज को पूरा होने में करीब 1.5 घंटा लगता है। इस तरह मैरिज होने के बाद कार में क्लासिक ग्रिल जैसी सजावटी चीजें फिट की जा सकती हैं। मैं देख रहा हूं कि सारे गैप बोनट से और तली से मिलते हों और ये वाला गैप ऊपर की तरफ 4 मिलीमीटर होना चाहिए। ये बहुत अच्छा गैप है और ये गैप बहुत स्मार्ट दिखता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो ये फिनिश हो गया। आठवें स्टेशन पर भी हाथ की कारीगरी जारी है। वर्कर्स कार की विंडोज लगाते हैं, जिसे कहते हैं ग्लेजिंग। आमतौर पर ज्यादा कार्स बनाने वाले ऑटोमेटेड प्लांट्स में एक रोबोट सेल फ्रंट और रियर ग्लास को कुछ ही पल में ग्लेज कर देता है। वर्कर्स एक स्पेशल गन की मदद से विंडोज के चारों तरफ एकदम सही मात्रा में मैस्टिक सीलर लगाते हैं। उसके बाद दो वर्कर्स वेट असिस्टर की मदद से विंडशील्ड को उठाकर सेट कर देते हैं।
कार की बाहरी सजावट पूरी होने के बाद खूबसूरत अपहोल्स्ट्री की बारी आती है। फैक्ट्री की अपनी लेदर शॉप में हर कार के लिए पूरी अपहोल्स्ट्री बनती है। यहाँ मौजूद करीब 60 वर्कर्स उन्नत तकनीक और इंसानी महारत को मिलाकर रोल्स रॉयस की हर कसौटी को पूरा करते हैं। फैंटम की खास बात वो क्वालिटी है जो हम कार में देते हैं, और क्वालिटी की शुरुआत कच्चे माल से होनी चाहिए। अगर कच्चा माल सही नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं होगा। फैंटम के इंटीरियर के लिए नेचुरल ग्रेन लेदर की औसतन 75 वर्ग मीटर लंबाई या 18 हाफ हाइट्स की जरूरत पड़ती है। पूरे इंटीरियर को सजाने के लिए लेदर शॉप के वर्कर्स को 17 दिन चाहिए। आम पैलेट में वैसे तो 15 कलर्स हैं, लेकिन रोल्स रॉयस कोई भी मनचाहा कलर तैयार कर सकती है। यहाँ हमारे पास रोल्स रॉयस के कस्टमर्स के लिए उपलब्ध सभी कलर्स का एक छोटा सा नमूना है। पैलेट में इतने सारे कलर्स हैं, चाहे वो आम कलर हो या बिस्पोक के कलर्स, हम उन सबको जमा नहीं रख सकते, इसलिए हम प्रोडक्शन के लिए जरूरी कलर्स के नमूने ही रखते हैं। फैंटम कार की भीतरी अपहोल्स्ट्री बनाने की शुरुआत टैंड लेदर के इस पूरे पीस से होती है। सबसे पहले एक इंस्पेक्टर हर टुकड़े की बारीकी से जांच करता है। वो देखता है कि ग्रेन में कोई बदलाव या कोई धब्बा तो नहीं जिससे अपहोल्स्ट्री के इकसार रूप में कोई कमी आ जाए। वो हर कमी के लिए मोम की पेंसिल से निशान लगा देते हैं। हम कुतरन के छोटे छोटे निशान और धब्बे देख रहे हैं। हल्का सा हाथ फेरने से छोटे छोटे उभार पता लग जाते हैं जिन पर निशान लगाना जरूरी है। हर फैंटम कार के लिए लेदर के 450 अलग अलग टुकड़ों की कटाई से पहले लेदर के उस हिस्से पर हर टुकड़े का लेजर प्रोजेक्शन डाला जाता है ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। हम एक सबसे लंबी पट्टी इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए काटते हैं। ये एकदम कस्टमर की आंख के सामने रहती है, इसलिए ये एकदम साफ होनी चाहिए। कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, एकदम साफ लेदर चाहिए। अब लेदर कटाई की मेज पर आ गया है। वैक्यूम की मदद से लेदर नीचे खींचा रहता है ताकि वो सरके नहीं। उसके बाद लेजर से चलने वाला कंप्यूटर कंट्रोल्ड सेल्फ शार्पनिंग रेसिप्रोकेटिंग ब्लेड आगे पीछे चलकर हर मिनट 56,000 कट लगाता है। सारे टुकड़े कटने के बाद सिलाई कारीगर लेदर के पैनल सिलने का लंबा काम शुरू करते हैं। इस काम का सबसे नाजुक हिस्सा है टफ स्टिचिंग। ये टांके सामने दिखाई देते हैं। गोलाई पर टांकों को बराबर रखना बेहद मुश्किल काम है। और एक सबसे अहम पैनल ये डैशबोर्ड है जो ड्राइवर के सामने रहता है। सबसे जरूरी चीज है ये स्टिचिंग, जो कि एकदम सीधी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। इसे एकदम सीधा रखने के लिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हाथ की सिलाई होने के कारण ये एकदम सीधी नहीं हो पाती। लेदर के बहुत से टुकड़े नीचे के पुर्जों की हिफाजत के लिए फोम की महीन परत पर चिपकाए जाते हैं। पॉल, डैशबोर्ड की जो पट्टी तैयार कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से कार की एक बड़ी खासियत है, इसलिए इस पर ध्यान रखना जरूरी है। क्वालिटी को रोल्स रॉयस की कसौटी पर खरा रखना सीखने में कुछ महीने तो लगते हैं, इसलिए पॉल यहाँ पर बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। सीट्स को यहाँ सिर्फ अपहोल्स्टर ही नहीं किया जाता बल्कि उन्हें हाथ से बनाया भी जाता है। ये एक RR1 फैंटम सीट है जिस पर कवर का पहला स्टेज चल रहा है। ये कवर बहुत टाइट होते हैं, इसलिए इस काम के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ये सीम बैकबोर्ड के सीट में होनी चाहिए, इसे एकदम सही जगह ले जाना बहुत जरूरी है। सीट्स को असेंबली लाइन में भेजने से पहले एक वर्कर साउंड प्रूफ बूथ में सुनते हैं कि कहीं कोई खिच-खिच या खड़खड़ ना हो। अब स्टेशन नंबर 9 पर असेंबली लाइन के वर्कर्स फैंटम की शानदार सीट्स लगाते हैं।
यहाँ भी वेट असिस्टर की मदद से वर्कर्स अकेले ही सीट्स लगा सकते हैं। स्टेशन नंबर 10 पर पहुंचने पर फैंटम में सभी जरूरी फ्लूइड्स भरे जाते हैं और अब ये दौड़ने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन उससे पहले इस पर रोल्स रॉयस की आखिरी छाप लगनी जरूरी है। रोल्स रॉयस पर ये कोच लाइन पेंट करने के लिए कोई मशीन या रोबोट काम नहीं आते। पेंटर मार्क कोर्ट अपने हाथ से हर कार पर कोच लाइन पेंट करते हैं। मैं अकेला ही हूं जो इस काम को कर सकता हूं, और कोई ये काम नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए इसकी टेक्निक को साधना पड़ता है। एकदम सीधी लाइन पेंट करने के लिए मार्क महीन फ्रेंच चौक का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये फ्रेंच चौक ना लगाऊं तो मेरी उंगलियां चिपकने लगेंगी और इतनी सीधी लाइन नहीं मिल पाएगी। हर एक लाइन पेंट करने में 3 घंटे तक की मेहनत लगती है। इतने सालों में मैंने हर कार का हिसाब रखा है। मुझे मालूम है कि कौन सी कार गई है, कहां गई है, बस ये नहीं मालूम कि उसका मालिक कौन है। सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूं। ये सारी कार्स मेरी हैं। और स्टेशन नंबर 11 पर व्हील को लगाकर इंजन चालू करके फैंटम को लाइन से बाहर किया जाता है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल टीम का काम शुरू होता है। कहीं भी जाने से पहले हर नई फैंटम कार को ढेर सारे टेस्ट पास करने जरूरी हैं। वाटर टेस्ट बताता है कि सवारी, सामान और इंजन वाले हिस्से पूरी तरह वाटर टाइट हैं या नहीं। टेस्टर कार को 20 मिनट तक पानी की 73 हाई प्रेशर वाटर जेट्स में भिगोते हैं। ये टेस्ट असल में मॉनसून की नकल है। हमें यकीन रहता है कि ये टेस्ट पास हो गया तो कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी। वाटर टेस्ट के दौरान एक टेक्नीशियन एंडिस्कोप की मदद से देखते हैं कि बॉडी पैनल के भीतर कहीं से पानी तो नहीं जा रहा। अब तक तो इस तरफ से सब कुछ ठीक लग रहा है। कंप्यूटर नियंत्रित शेकर रिग में हाइड्रोलिक रैम्स रिग पोस्ट को हिलाती हैं, जिससे सस्पेंशन की परख होती है। हम इससे आने वाली खिचखिच और खड़खड़ सुन रहे हैं। रोलिंग रोड टेस्ट के दौरान कार को 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देकर परखा जाता है कि मुख्य सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। सड़क पर पूरी तरह आजमाए बिना कोई भी कार न तो कस्टमर को दी जाती है न ही डीलर को। इसके सस्पेंशन खास तौर पर सेट किए गए हैं, जिससे मानो ये सड़क पर तैरती जाती है। ये सड़क के सारे गड्ढों और दरारों के झटकों को अब्सॉर्ब कर लेती है और आपको एक भी झटका महसूस नहीं होता और ड्राइविंग एक प्लेजर बन जाती है। सारी आजमाइशों से गुजरने के बाद जितना हो सके परफेक्ट साबित होने पर ये कार फिनिश लाइन पर पहुंचती है और कस्टमर के हाथों में जाने के लिए तैयार हो जाती है। चक कविट्स्की जैसे कस्टमर्स को अपने ऑर्डर के मुताबिक फैंटम पाने में औसतन 6 महीने लगते हैं। चक उम्र भर से अपनी कार का इंतजार करते रहे हैं।
इस सपने की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब उन्होंने टीवी पर रोल्स रॉयस देखी थी। उन्हें पहली ही नजर में इस कार से प्रेम हो गया। मैंने यही कहा था कि एक दिन मैं ये कार जरूर लूंगा, बड़े होने पर मुझे यही चाहिए। चक यकीनन बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपना सपना पूरा भी कर लिया है। अब वो बेहतरीन लग्जरी कार के मालिक हैं। और ये कोई आम रोल्स रॉयस का सपना नहीं था, बल्कि एक ही रोल्स रॉयस चाहिए थी, और वो थी कन्वर्टिबल टॉप वाली रोल्स रॉयस। मेरे लिए वही सबसे बेहतरीन कार थी। सच कहूं तो मेरा सपना बिल्कुल यही था, कार में बैठकर रूफ टॉप हटाकर दिन भर मस्ती में घूमने का। इसीलिए से देखता हूं तो लगता है कि बिल्कुल यही चाहिए थी। ये बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन। आज रोल्स रॉयस फैंटम एक सदी की ब्रिटिश परंपरा और बेहतरीन इंजीनियरिंग का संगम है। इसे बनाने वाले दो देशों में फैली तीन मेगा फैक्ट्रीज में सैकड़ों बेमिसाल वर्कर्स के हुनर और बारीकी पर निर्भर हैं। उन सब का एक ही मकसद है, मोटरिंग एक्सलेंस।